हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का डिस्कशन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम लोग कुछ स्पेशल केसेस देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा एग्जांपल वही है, हमने एक रस्सी में छोटा सा पार्टिकल बांध रखा है और इसको हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं, ठीक है। और हमने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट ए पे एक स्पीड दे रखा है, दिस स्पीड इज वी ए। तो ये इतना स्पीड है कि ये सर्कल में घूम जा रहा है ना। इस प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ए पे जब पार्टिकल होगा तो इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगा वो टेंशन मैक्सिमम होगा, ठीक है। और इस टेंशन का वैल्यू ये है इन टर्म्स ऑफ वी ए। जब पार्टिकल पॉइंट सी पे, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाने लगता है वैसे वैसे टेंशन जो होता है स्ट्रिंग के अंदर वो कम होने लगता है और सबसे कम टेंशन पॉइंट बी पर होता है, राइट। और फिर से जब वो नीचे आने लगेगा तो टेंशन बढ़ने लगेगा और यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमने तीन स्पेशल पॉइंट्स ए, सी और बी, इनके टेंशन्स का वैल्यू लिख रखा है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है एंड दीज ऑल वैल्यूज आर इन टर्म्स ऑफ वी ए, मतलब पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी उसको दी गई है उनके टर्म्स में ये तीनों है। और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि धीरे धीरे आपका टेंशन जो है वो बढ़ते जा रहा है, सॉरी कम होते जा रहा है, और बी पे मिनिमम है, ए पे मैक्सिमम है और धीरे धीरे ऐसे कम होते जाएगा जैसे जैसे वो पार्टिकल ऊपर जाएगा। इतना क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखो, हमने मिनिमम स्पीड भी निकाला था कि पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट ई ए पर क्या मिनिमम स्पीड होना चाहिए ताकि ये पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाए। तो हमने देखा था जो पॉइंट ए पे हमको जो मिनिमम वेलोसिटी देना है, दैट मिनिमम वेलोसिटी वॉज इक्वल टू रूट ऑफ 5 RG। अगर आप इतनी मिनिमम वेलोसिटी पॉइंट ए पर दोगे तो ही ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाएगा, ठीक है। और इस केस में इतनी वेलोसिटी आपने दी तो टेंशन का वैल्यू पॉइंट बी पर जाकर जीरो होता है ना, टी भी जीरो हो जाता है पॉइंट बी पर जाने के बाद। ये इस इक्वेशन से भी पता चल रहा है, वी ए का वैल्यू आप रूट ऑफ 5 RG यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो तो आपको इसका वैल्यू जीरो मिल जाएगा टेंशन का। तो देखो, अगर आपका पार्टिकल पॉइंट बी तक पहुँच गया तब तो वो पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा, लेकिन याद रखो अगर पॉइंट बी से पहले किसी भी पॉइंट पे अगर रस्सी ढीली पड़ गई, रस्सी ढीली पड़ने का मतलब है कि अगर टेंशन का वैल्यू जीरो हो गया, पॉइंट बी तक पहुंचने से पहले किसी भी पॉइंट पे अगर टेंशन का वैल्यू जीरो हो गया मतलब रस्सी ढीली पड़ जाएगी तो स्लैक हो जाएगा रस्सी, तो उस पॉइंट से फिर वो जो पार्टिकल है वो नीचे गिर जाएगा और कंप्लीट सर्कल परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ हमको याद रखना है कि पॉइंट बी तक पहुंचने से पहले रस्सी का टेंशन कहीं भी जीरो नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाएगी। समझ में आ रहा है, बी पे तुम इसका मतलब क्या कि हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि बी पे जाने के बाद टेंशन जीरो हो, उससे पहले कहीं भी जीरो नहीं होना चाहिए अगर इसको सर्कल कंप्लीट करना है तो। तो जब हमने देखा कि पॉइंट बी पर जाने के बाद अगर जीरो हो टेंशन तो हमको मिनिमम वैल्यू जो हमको ए पे देना है दैट कम्स आउट टू बी रूट ऑफ 5 RG। तो पहला केस यही देख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या कि अगर सपोज करो, फर्स्ट केस क्या है, आपने जो वी ए का वैल्यू दिया है, इफ वी ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 RG, तो ऐसे केस में क्या होगा बताओ। ऐसे केस में पॉइंट बी पे सिर्फ टेंशन का वैल्यू जीरो होगा, यहाँ से टेंशन का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, इट विल बी ग्रेटर देन जीरो, और बी पे जाने के बाद जीरो हो रहा है, तो बी पे जाने के बाद जीरो हो रहा है तो फिर पार्टिकल सर्कुलर में मोशन परफॉर्म करेगा। समझ में आ रही है बात। तो ऐसे केस में पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है एंड वी नो दैट दिस इज द मिनिमम स्पीड विथ विच मिनिमम स्पीड विच शुड बी गिवन टू द पार्टिकल एट पॉइंट ए। अगर आप इतना स्पीड पॉइंट ए पर दोगे तो हमको पता है सी पे जाने के बाद उसका स्पीड हो जाता है रूट ऑफ 3 RG, दिस इज द मिनिमम स्पीड एट सी, और बी पर जाने के बाद उसका स्पीड हो जाता है रूट ऑफ RG एंड दिस इज द मिनिमम स्पीड एट पॉइंट बी। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं सिर्फ वी ए का वैल्यू देख रहा हूँ कि अगर वी ए का वैल्यू रूट ऑफ 5 RG हो देन दिस इज मिनिमम स्पीड, राइट, जिससे सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो सके। और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट पार्टिकल कंप्लीट्स सर्कल। ये केस हो गया। चलो सेकंड केस पे जाते हैं।
अगर मान लो वी ए का वैल्यू जो है इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन रूट ऑफ 5 RG, ये तो मिनिमम वैल्यू था, इतना तो हम दे ही सकते हैं यहाँ पे। अगर आपने वी ए का वैल्यू रूट ऑफ 5 RG से ज़्यादा रखा तब क्या होगा बताओ। देखो रूट ऑफ 5 RG पे ही हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ टेंशन था, बी पे जाने के बाद जीरो हुआ था, लेकिन जब आप रूट ऑफ 5 RG से ज़्यादा स्पीड दे दोगे तब तो वैसे भी किसी पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू जीरो नहीं होगा। सो एट ऑल पॉइंट्स टेंशन जो होता है इट विल बी ग्रेटर देन जीरो, किसी भी पॉइंट पे टेंशन जीरो नहीं होगा, और किसी भी पॉइंट पे टेंशन जीरो नहीं हो रहा है तो मतलब पार्टिकल सर्कल में घूमेगी आराम से। तो इतना या इतने से ज़्यादा स्पीड अगर आप दोगे तो ही पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी, ठीक है। सो पार्टिकल परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ओके। नाउ सी ये थर्ड केस पे आते हैं हम लोग। थर्ड केस क्या है, चलो सर्कुलर मोशन तो अब इसी इन्हीं दो केस में होगा, पॉइंट ए पे स्पीड या तो रूट ऑफ 5 RG हो या उससे ज्यादा हो। अब अगर आपने रूट ऑफ 5 RG से स्पीड कम कर दिया, ठीक है, ये जो रूट ऑफ 5 RG है इससे स्पीड यहाँ पे कम दिया, तब ये पहुँच नहीं पाएगा, तब कहीं किसी एक पॉइंट पे इसका जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगा, सॉरी टेंशन जीरो हो जाएगा, और वहीं से फिर वो पार्टिकल वापस आ जाएगा, सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो अब हम जो केस देखेंगे दैट विल बी वी ए लेस देन रूट ऑफ 5 RG, ठीक है। ऐसे केस में पार्टिकल will not complete circle, simple बात है। पर इसमें भी केसेस हो सकते हैं, पार्टिकल कहाँ से वापस नीचे गिरेगा ये हम लोगों को चेक करना है, ठीक है। तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। देखो ये तो हम लोगों को पता है कि रूट ऑफ 5 RG से अगर हमने यहाँ पे स्पीड कम दिया तो पार्टिकल यहीं कहीं से पॉइंट बी तक तो नहीं पहुंच पाएगी, उससे पहले ही कहीं से वापस आ जाएगी, समझ में आ रही बात। वापस कहां से आएगी, जहां पे टेंशन का वैल्यू उसका जीरो हो जाए, जिस पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू जीरो हो जाए तो रस्सी ढीली पड़ जाएगी, तो वहीं से वो नीचे आ जाएगी। तो हम लोग को बस ये चेक करना है कि कहां से जीरो आ सकता है। तो एक काम करते हैं, मैं ये बोल रहा हूं कि पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच में अगर कोई पार्टिकल होगा या कोई पोजीशन होगा जहाँ से वो रिटर्न आ रही है, तो इसका मतलब सी पर टेंशन जीरो नहीं हो रहा है। थोड़ा ध्यान से समझो इस चीज़ को, अगर पार्टिकल ने सी को पार कर दिया तो इसका मतलब सी पे टेंशन का वैल्यू जीरो नहीं होगा बल्कि सी के बाद होगा। तो एक काम करते अभी फिलहाल ये चेक कर लेते हैं कि पॉइंट सी पर टेंशन का वैल्यू जीरो कब होगा या फिर कितने स्पीड पर होगा, हमको इसको कितना स्पीड दे देंगे कि पार्टिकल का जो स्पीड है या पार्टिकल का जो ये रस्सी का टेंशन है वो टेंशन सी पे आने के बाद जीरो हो जाए। तो एक काम करते सी वाला इक्वेशन ले लेते हैं, टेंशन एट सी इज इक्वल टू mv² / r - 2mg। तो ये हमारा टेंशन है, टी सी इज इक्वल टू टेंशन एट सी इज इक्वल टू mv² / r - 2mg। अब ये वैल्यू आप जीरो डाल दो। देखो पॉइंट सी पे अगर टेंशन का वैल्यू जीरो हो गया इसका मतलब वो पॉइंट सी से रिटर्न आ जाएगी, ठीक है, यही चेक करना है। तो पॉइंट सी पे टेंशन कब जीरो होगा, मतलब मैं इसको कितना स्पीड दूं कि पॉइंट सी पर जाते जाते ही उसका टेंशन जीरो हो जाए। अब पॉइंट सी पर टेंशन जीरो हो गया मतलब वो उससे ऊपर नहीं उठ पाएगी, यहीं से नीचे आ जाएगी। तो चेक कर लेते, देखो जीरो इज इक्वल टू mv² / r - mg, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करोगे तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये पार्ट में मिटा देता हूँ, ये केस थोड़ा नोट डाउन कर लेना, ओके। नाउ सी इसको आगे कंटिन्यू करो। सो ये mg इस बगल ले आओगे तो क्या हो जाएगा, va² mv² / r = mg, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। सो वी ए विल बी इक्वल टू रूट ऑफ आर जी, ठीक है। तो ये एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, यहाँ पे टू है ना,
2mg है, इट विल बी 2mg, mm कैंसल, सो va विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2rg। ये समझ में आई बात? इसका मतलब क्या होता है बताओ? इसका मतलब ये कि अगर इस पॉइंट पे आपने वेलोसिटी दिया रूट ऑफ 2rg, थोड़ा ध्यान से समझो इस चीज को, वेलोसिटी दिया रूट ऑफ 2rg, तो ये पॉइंट सी तक पहुंच पाएगी, क्योंकि इतने स्पीड पे पॉइंट सी पे टेंशन का वैल्यू जीरो हो जाता है। समझ में आ रहा है? टेंशन का वैल्यू जब जीरो रखा हमने, तो हमको ये जो वेलोसिटी है पॉइंट ए पे ये मिला। तो यहां तक आते आते अगर आपने इतनी स्पीड दी है रूट ऑफ 2rg, तो पॉइंट सी तक आते आते उसकी स्पीड टेंशन जीरो हो जाएगा। तो जब रस्सी का टेंशन यहाँ पे जीरो हो गया, तब वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, यहीं से लौट आएगा। समझ में आ रही बात? तो ये केस हम लोग थोड़ा नोट डाउन कर लेते हैं। तो इससे हमको क्या पता चला बताओ? पहला केस ये देखो, यहीं पे पहला केस कि इफ वी ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 2rg, तो हमने देखा इफ वी ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 2rg, तो पॉइंट सी तक आते आते इस इक्वेशन में डाल दो आप सी का वैल्यू जीरो, टी सी का वैल्यू जीरो, तो ऐसे केस में टी सी विल बी जीरो, है ना? ये आप चेक कर सकते हो, वी ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 2rg यहां पे डाल लो, तो आपको टी सी का वैल्यू जीरो मिल जाएगा। तो पॉइंट सी तक ही पार्टिकल पहुंच सकता है, पॉइंट सी के बाद वो नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या? पार्टिकल रीचेस सी, एंड देखो पार्टिकल सी पे ये जाएगा और ये वापस आएगा, फिर दूसरे एंड पे डी तक जाएगा और फिर वापस आएगा, और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है? सो पार्टिकल मूव्स बैक एंड फोर्थ फ्रॉम सी टू डी, ठीक है, अलोंग आर्क सी ए डी। ठीक है, ये केस है। केस क्या है बताओ? कि अगर मान लो तुम्हारा जो वेलोसिटी है या स्पीड है पार्टिकल ए पॉइंट ए पे, अगर ये हमने रूट ऑफ 2rg रखा, तो क्या होगा? सी तक आने के बाद टेंशन जीरो हो जाएगा, तो टेंशन जीरो हो जाएगा तो पार्टिकल यहीं से नीचे गिर जाएगा। सो देयर विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स, और टेंशन तो जीरो हो चुका है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा? उसको नीचे पुल कर लेगा यहीं से, टेंशन तो है नहीं यहाँ पे, तो ये नीचे आने के बाद फिर ऐसे आएगा, यहाँ पे इनर्शिया की वजह से फिर ऊपर जाएगा, और फिर वही केस आएगा, और ये इस तरह से ऐसा चलता रहेगा बैक एंड फोर्थ सी और डी के बीच में। तो पार्टिकल सी और डी के बीच में इस तरह से घूमता रहेगा। समझ में आया? तो सेकेंड केस अब देखते हैं। तो इसका मतलब क्या? पार्टिकल ने सर्कल तो कंप्लीट किया नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा स्पीड रूट ऑफ 5rg से कम है पॉइंट ए पे। तो अगर रूट ऑफ 2rg होगा तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा। अब इससे तो हम बाकी का अंदाजा लगा सकते हैं। सेकेंड केस देख लेते हैं। सेकेंड केस में इफ देखो वी ए इज ग्रेटर देन, ध्यान रखना, इफ वी ए इज ग्रेटर देन रूट ऑफ 2rg, तब क्या होगा? अब ग्रेटर देन रूट ऑफ 2rg सिर्फ लिखना सही नहीं होगा, क्योंकि हमको इसका स्पीड रूट ऑफ 5rg से कम भी रखना है। देखो ग्रेटर देन रूट ऑफ 2rg का मतलब क्या? अगर मान लो मैंने रूट ऑफ 5rg से स्पीड ज्यादा दे दिया, तब तो सर्कल में घूम जाएगा ना। थोड़ा ध्यान से समझो इस चीज को, कि अगर मेरा स्पीड जो है, लेट्स से इसको ऐसे लिखते हैं, मेरा पॉइंट ए पे जो स्पीड है, इफ इट इज ग्रेटर देन रूट ऑफ 2rg, रूट ऑफ 2rg से तो ज्यादा है, तो देखो 2rg पे यहां पे टेंशन जीरो हो रहा था और पार्टिकल रिटर्न आ जा रहा था। अगर मैंने 2rg से ज्यादा दे दिया तो पार्टिकल अब सी से ऊपर उठेगा, लेकिन मेरा जो स्पीड है वो स्पीड मैं रूट ऑफ 5rg से कम दे रहा हूं। तो अगर रूट ऑफ 5rg से कम दे रहा हूं, तो इसका मतलब पार्टिकल बी को क्रॉस नहीं कर पाएगा, बी तक पहुंच नहीं पाएगा, पहले उसका टेंशन जीरो हो जाएगा, सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो बी से पहले जब उसका टेंशन जीरो हो जाएगा, मतलब टी बिकम्स जीरो बिटवीन सी एंड बी। ठीक है? ऐसे केस में अब क्या होगा? देखो ध्यान से, मैं यहां पे देखते हैं हम लोग, ये सेकेंड केस है अपना।
ए से स्टार्ट किया, ठीक है, और ये सी को पार कर जाएगा, तो सी को पार करने के बाद ये यहाँ कहीं आएगा, क्योंकि बी और सी के बीच में उसका टेंशन जीरो हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा ना, पार्टिकल यहाँ पे है ना, अब देखो इसकी स्पीड यहाँ थी, ठीक है, और क्योंकि रस्सी का टेंशन अब जीरो हो चुका है यहाँ पे, तो रस्सी को भूल जाओ आप। अब इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, उसको नीचे पुल करेगा। ये ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, इसको ऐसे नीचे पुल करेगा, तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगी लेकिन जाते जाते वो नीचे गिर जाएगी। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती है, समझना, और पैराबोलिक पाथ फॉलो करते करते वो नीचे गिर जाएगी। कब होगा ऐसा, जब स्पीड आप रूट ऑफ 2RG से ज्यादा रखोगे ताकि वो सी को पार कर जाए, और रूट ऑफ 5RG से कम रखना है पॉइंट ए का स्पीड, पॉइंट ए पर स्पीड, ताकि वो बी तक पहुंच ना पाए, उससे पहले उसका टेंशन जीरो हो जाए, खेल खत्म, राइट। एक और केस आ सकता है कि हम पॉइंट सी तक भी पहुंचने ना दें उसको। तो अगर आप पॉइंट सी तक भी चाहोगे कि ना पहुंच पाए, तब क्या करना पड़ेगा बताओ, दैट योर स्पीड विच यू आर गिविंग एट पॉइंट ए, इट इज लेस देन रूट ऑफ 2RG। देखो जब हम लोगों ने स्पीड 2RG रखा था तब वो पॉइंट सी तक पहुंच गई थी, वहां से रिटर्न आ गई थी। अब अगर 2RG से भी कम रखोगे, ठीक है, ये केस यहां पे देखते हैं हम लोग, इफ योर स्पीड VA इज लेस देन रूट ऑफ 2RG, तब तो वो सी तक भी नहीं पहुंच पाएगी, समझ में आ रही बात। तब ये यहां कहीं जाके जाते ही इसका जो स्पीड है, इसका जो टेंशन है, वो टेंशन जीरो हो जाएगा, इसी पॉइंट पे टेंशन जीरो हो जाएगा, और टेंशन जीरो हो गया तो वहीं से वो लौट आएगी। यहाँ से लौटने के बाद क्या होगा, इस पॉइंट पे आएगी ऐसे, और उसके बाद फिर वापस आगे इनर्शिया की वजह से जाएगी, जितना यहाँ गए थे इतना फिर से वहाँ जाएगी, और फिर से ये रिटर्न आ जाएगी। तो इस तरह से ये ऑसिलेशन चालू हो जाएगा इसका, समझ में आ रहा है। सो इस केस में क्या होगा बताओ, टी इज इक्वल टू जीरो बिटवीन ए एंड सी, ओके, और ऐसे केस में पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट पॉइंट ओ, पॉइंट ए, ठीक है। तो ये तीसरा केस था। सेकेंड केस हमने क्या देखा था इसमें, इफ पार्टिकल जो है यहाँ तक पहुँच रही है, कब पहुँच रही है, जब ये केस आएगा, वी इज ग्रेटर देन रूट ऑफ 2RG एंड लेस देन रूट ऑफ 5RG। अब फर्स्ट केस हमने देखा था इफ वी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2RG, तो इस स्पीड पे यहाँ तक पहुँच जाएगी और फिर रिटर्न आ जाएगी। सो इफ वी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2RG, तो पार्टिकल यहाँ तक जाएगी और पूरा हॉरिजॉन्टल होने के बाद फिर रिटर्न आएगी और सी और डी के बीच में इस तरह से घूमेगी। अगर रूट ऑफ 2RG से ज़्यादा है तो सी को पार करेगी, लेकिन रूट ऑफ 5RG से कम है तो बी तक पहुंच नहीं पाएगी, तो पार्टिकल यहीं पे आने के बाद इसका टेंशन जीरो, और टेंशन जीरो तो फिर पैराबोलिक पाथ फॉलो करके वो नीचे गिर जाएगा, राइट। अच्छा, अगर सपोज करो रूट ऑफ 2RG से कम स्पीड दिया हमने, तो सी तक भी नहीं पहुंच पाएगी, यहीं कहीं टेंशन उसका जीरो हो जाएगा और यहीं पे ऑसिलेशन चालू हो जाएगा। तो ये तीन केसेस है, अगर हम लोग ने स्पीड जो है वो रूट ऑफ 5RG से कम रखा तो वो सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगी, पहले ही गिर जाएगी, ठीक है। इसी में तीन केसेस देख लिया हम लोगों ने कि कब वो कहाँ तक पहुँच पाएगी।